है लास्ट ट्रिप का डे टू, तो पुष्कर तो हमने घूम लिया, एक दिन में कवर कर लिया हम लोग, तो अब चलते हैं अजमेर। अजमेर है यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर्स, तो और ऑन द वे टू जयपुर भी है, तो हमने सोचा कि एक अजमेर का भी ब्लॉग आपके लिए ले आए, तो मिलते हैं अजमेर में, बाय। गाइस, सो फाइनली हम अजमेर पहुंच चुके हैं, एंड अजमेर का निर्माण 11वीं सदी में हुआ था। अजमेर फेमस है यहाँ की दरगाह शरीफ के लिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है यहाँ पे, वहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं बहुत, और अकबर के पैलेस के लिए जो अभी फिलहाल म्यूजियम है। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले अपन चलेंगे दरगाह में, बट दरगाह में शायद कैमरे अलाउड नहीं हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ क्लिप करने का, फ़ोन से ट्राई करेंगे, एंड देन देखते हैं अपन अकबर का पैलेस, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं दरगाह में, और हर रिलीजन के आते हैं, तो चलते हैं। एक और बात की अजमेर अरावली, हाँ अजमेर अरावली हिल्स से घिरा हुआ है, आप लोगों को काफी, अगर किसी को नहीं पता अरावली हिल्स क्या है तो प्लीज गूगल जाके करें। और लेक भी है यहाँ पे फेमस, और यहाँ पे फेमस लेक है, मैन मेड लेक है, दैट इज अन्ना सागर, वो भी आपको दिखाएंगे जल्दी, तो मिलते हैं दरगाह में, बाय। तो हम अब आ गए हैं अजमेर शरीफ दरगाह, ये एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो ठीक तारागढ़ हिल के नीचे है। यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स है जो वाइट मार्बल से बनी है, एंड ये जो बड़ा सा आपको गेट दिख रहा है वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने गिफ्ट दिया था, एंड इसके अंदर अकबरी मॉस्क भी है जो शाहजहाँ ने बनाई थी। अगर आप अजमेर आ रहे हैं तो पार्किंग के लिए ना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा नगर निगम की पार्किंग, ठीक है, क्योंकि बीच में रास्ते में आपको बहुत सारे पार्किंग के मिलेंगे, लाइक होटल्स में भी अपनी पार्किंग कर रखी है, बट उनके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो बेटर रहेगा ऑप्शन कि आप नगर निगम की पार्किंग आए, बहुत सारी गाड़ियों के लिए यहाँ पर पार्किंग है, एंड देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। क्योंकि ऑन द मोमेंट यू अराइव इन अजमेर सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही कि आपके पास है वो है पार्किंग, अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से आ रहे हो तो इनके चार्जेस भी ज़्यादा नहीं है, इट्स लाइक 100 रुपीज़ कंपेयर टू फॉर 2 आवर्स, एंड कंपेयर इट्स वेरी लेस कंपेयरिंग द अदर ऑप्शंस विच वी हैव स्टार्टिंग के अंदर, लाइक जो होटल्स हैं एंड जो प्राइवेट इनकी पार्किंग्स हैं उनके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैं, सो और इसके लिए रास्ते के लिए आपको रास्ते में होर्डिंग मिल जाएंगे, एरो सिंबल्स मिल जाएंगे, या फिर आप गूगल मैप से भी सर्च करके आ सकते हो नगर निगम पार्किंग। तो चलो दरगाह हम जा चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं म्यूज़ियम जो कि है अकबर पैलेस, मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय।
सो गाइस अभी हम हैं अकबरी पैलेस में। अभी करंटली इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो आप भी एक बार ज़रूर आके देखें। काफ़ी कुछ है यहाँ पे, उनका पहनावा, उनकी इंस्क्रिप्शंस, उनके कॉइन्स, काफ़ी कुछ नॉलेज आपको मिलेगी। ये जो सेंटर में है इसके एकदम, ये इनका दरबार हॉल है। इनके अंदर रूम्स के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो कुछ कुछ हमने फ़ोन से रिकॉर्ड किया है, हम दिखाएंगे ज़रूर आपको। जनरली क्या होता था कि अकबर आगरा से अपनी रानी के साथ अजमेर आया करते थे दरगाह में बेटे होने की दुआ मांगने के लिए। तो ये लोग काफ़ी हर डेली कुछ कुछ अराउंड 3 किलोमीटर ये लोग चलते थे, एंड देन वो लोग स्टे करते थे। तो आज भी जहाँ जहाँ पे वो स्टे करते थे वहाँ पे बड़े बड़े पिलर्स हैं, उनको केसर मीनार्स बोलते हैं। और चलो अभी आपको थोड़ा बहुत मैं बाहर का एरिया दिखा देता हूँ, अंदर का तो मैं आपको मैंने फ़ोन से शूट किया है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। फोन अलाउड है अंदर? फ़ोन अलाउड है, आप फ़ोन से वीडियो करो, फ़ोटोज़ खींचो, आई डोंट नो क्या है ये सब, कैमरा अलाउड नहीं है, फ़ोन में भी तो कैमरा है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। ओके एक और चीज़ जो मैं मिस करती थी वो है कि यहाँ की एंट्री फ़ीस 50 रुपीज़ है और पर पर्सन। और सिटी के बीच में यह दरगाह से भी काफ़ी पास है, अराउंड 900 मीटर्स ही है, तो अगर अजमेर आओ तो यहाँ पे ज़रूर आओ। ठीक है, चलो बाय। ये तो उसके पास नहीं रहता क्या, अपने बाहुबली के पास? इसके पास भुला दो। नहीं बाहुबली, हाँ। भाई क्या खतरनाक होते थे यार इनके। आर्मरी तो बहुत खतरनाक है, ये देख तलवार, स्वॉर्ड एंड शील्ड। इस तलवार से भी कोई ना कोई गया ही होगा। यहाँ कहाँ से आ गई आप? डैगर्स भाई साहब, सब बोलते ही हैं ऐसे ही, इनके पास हथियार तो साले आज के ज़माने से भी अच्छे अच्छे हैं। ओ भाई
एक बार में गला खलास। अबे उस टाइम पे अगर नीरज होता ना, नीरज चोपड़ा, दुश्मनों को फेंक फेंक के, दूर से फेंक फेंक के मार देता। ये देख भाई, ये बंदूक है क्या है इतनी बड़ी? आजकल तो देसी कट्टे चल रहे। सारी लंबी लंबी है, कोई छोटी नहीं है। इसमें इसमें शायद बारूद रखते थे, ये बारूद रखने वाला गन पाउडर फ्लैश। राइफल्स है सारी तो। ओ भाई ये था इनका असली हथियार। लॉक है वो फायर करने के लिए, एंगल बना के एंगल को लॉक करने के लिए, इतना मुझे लगता है। इंसेप्शन गैलरी, इंस्क्रिप्शन गैलरी। अरे वाह, ये भाई मेटल प्लेट्स हैं ये। इनकी भाषा है ये ब्राह्मण, कॉपर प्लेट है। तुमने क्या बोला था, कौन सी है? मेटल प्लेट्स बोल दिया था मैंने, कोई नहीं यार, गलती अपना से ही होती है भाई। कुछ भी बोलो, इनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी। इस वाले बंदे की सही है जिसने ये लिखा होगा। इंसेप्शन, इंस्क्रिप्शन ऑफ ब्राह्मण दामोदर, ये भी ठीक ठाक ही है हैंडराइटिंग तो, पत्थर पे लिखा हुआ उसको भी। तो पत्थरों पे कैसे लिखते थे ये लोग, पत्थरों पे कैसे लिखते थे ये लोग, बोल रहा पत्थरों पे कैसे लिखते थे ये लोग। कुछ भी यार, प्रैक्टिस करते तो हैंडराइटिंग भी अच्छी। समंत सिंह इंस्क्रिप्शन, वीणा सिल्वर पॉट। यार ये स्लिपर्स हुआ करती थी सच, इसमें भी हील्स थी। हील्स, अबे हील्स की तो बात अलग है, इसको पहन के चलते कैसे होंगे। यार ये सब तो इतने पुराने नहीं लगते मुझे, लिखा तो है 19th-20th century। ये भाई लोग आपको सही लग रहे हैं या फिर आपको भी गलत लग रहे हैं? चलो हिना, क्या वीणा बजाना है आपको भी? आ जाओ। चौहान और चंद भरदाई हैं शायद, यहाँ पे इनकी स्टोरी भी लिखी है। कर क्या रहा है वो, फोटो बना रहा है क्या आपने? देखो इनके हाथ में धनुष जो टीवी में दिखाते वैसा है, और जहाँ पे अपने संग्रहालय में देखा वो अलग टाइप का था ना, वो शायद कुछ आदेश दे रहे होंगे और वो लिख रहे हैं। जहांगीर का दरबार लगा हुआ है, जहांगीर एंड सर थॉमस रॉय। फिरंगी, अच्छा वो शायद इस वो पिक्चर को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ होगा ना। वैसे देखो इनका ये बनाया हुआ है तो। उधर क्या है उस साइड, दरवाजा है उधर, दिखता है चेयर दिखती है, अंदर होता होगा कुछ ना कुछ तो। चेयर दिखती है, ये क्या है,
अच्छा, ये राजा मानसिंह है। राजा मानसिंह, राजा मानसिंह उदयपुर वाला है क्या? वो शायद जो इनकी वाइफ थी, जो था उनका भतीजा है, जो ऐसा कुछ था, तो उनको इन्होंने अपने उसमें आर्मी में रखा था ऐसा, मतलब सीरियल में तो ऐसा दिखाया हुआ था। अच्छा, ये लोग जंग की, जंग के बारे में डिस्कशन चल रहा है। यार अकबर था तो बड़ा स्मार्ट, ये जंग का पोर्ट्रे। सो गाइस, अब हम आ गए हैं हमारी फाइनल लोकेशन, जो कि है अन्ना सागर लेक। ये एक मैनमेड लेक है, ये ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर्स के दायरे में है। ये बनाया गया था आर्नो राजा, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे। इसके बीच में एक आइलैंड भी है, जहां आप बोट से जा सकते हैं। इसके इर्द गिर्द बहुत सारे आपको चाट आइटम्स मिल जाएंगे खाने के लिए। राजस्थान के बीचों बीच इतनी बड़ी लेक अच्छी लगती है, तो आप लोग भी ज़रूर आएँ। हे गाइस, तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अजमेर पे ये हमारा टेक था। अगर आपको कुछ सजेशन है या कुछ क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। हम लोग जयपुर से निकले, अच्छा मौसम देखे थे, मानसून का टाइम है, बहुत ठंडा मौसम हो रहा था। पुष्कर में हमें ठीक ठाक मौसम मिला, कल बादल थे, गर्मी थी बट बादल थे, बट आज तो बहुत ज़्यादा धूप और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो रहा है। अभी हम हाईवे से हमने गाड़ी उतार के हम लोग ये इस वीडियो का एंड कर रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।